देख बबली, मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अगर ये खाना उस सड़े हुए बदमाश की बहन ने बनाया ना, तो मैं इसे सूंघूंगा भी नहीं। अयो रब्बा, कैसे बच्चों की तरह जिद करते हो, इतनी जिद करना ना अच्छी बात नहीं है। ये खाना मैंने ही बनाया है अपने हाथों से। पक्का? अब खा लो प्लीज, मैं खिलाऊं। ब्रेक लगा, कितने खुशी चली आ रही है, हैं? उस घर के लिए ये घर छोड़कर चली गई थी ना, अब उस घर में वापस जा, ऐसे क्यों आई है? पापा जी, मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। आप तो यही चाहते थे ना कि मैं उस घर ना जाऊं। लो आ गई मैं यहाँ, आप लोगों की दुश्मनी के बीच मैं हार गई। प्रीत पुत्र, अच्छा वो जो वापस आ गई, वो कल देर से आई पर दुरुस्त आई। कैसे बाप हो आप, हाँ? आपको दिमाग तो ठिकाने, आपकी कुड़ी 24 घंटों में ससुराल से घर वापस आ गई है और आप कह रहे हो अच्छी बात है, सोच समझ के बात क्या करो। ओए ओए ओए, इंजन को साइलेंट कर, साइलेंसर फट गया है कि? हुर, 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 मम्मी जी। पुत्र ये क्यों हो गया है? अब कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया, तू वापस क्यों आ गई? अरे मम्मी जी, वहाँ पूरी जिंदगी रहने का इंतजाम जो करना है। मतलब? जैसे पापा जी यहाँ उठे हुए, वैसे ही मेरे ससुर जी भी वहाँ उठे। अरे दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसीलिए उन दोनों को ठीक करने के लिए प्लान बनाया है। प्लान? प्लान? क्या प्लान बनाया है? हाय सिमरन चाची। हाय प्रीतो, आपका ही वेट कर रही थी। और बताओ कैसा लग रहा है आपको अपने ससुराल में? एकदम फर्स्ट क्लास, पूरी फैमिली वंडरफुल है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। तेरे पापा जी वो कुछ ज्यादा ही रूठे हुए हैं। सेम पिंच। क्यों सेम पिंच? आपके जेठ जी और मेरे ससुर जी को लगता है अपने अकड़ से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन हम भी उन्हीं का खून है, उन्हें ठीक करके ही रहेंगे। अरे ऐसा प्लान बनाए कि दोनों की अकड़ छूमंतर हो जाएगी। अब तक हमारी बैन बजाए ना, अब देखना, अब नहीं चलने देंगे उनकी हिटलर गिरी। हाय बाय। बड़े टेढ़े हैं। हाय रब्बा, बस ऐसी कृपा करना कि प्रीत पुत्र का जो भी प्लान है ना, उसमें उसे कामयाब कर देना बस। प्लान? कैसा प्लान? तू प्लान का तो पता नहीं, लेकिन प्रीत कह रही थी कि 12 घंटे में पापा खुद उसे लेने जाएंगे। अरे बेटा, अगर प्लान फेल हो गया तो तू यहाँ और वो हमेशा के लिए वहां अटक जाएगी। तू यारा बिना बात के टेंशन ले रहे हो, प्रीत बहुत स्मार्ट है और बीवी किसकी है, वो जो भी करेगी। देख बट्टू, अगर तू यहाँ अपने बाप की सिफारिश के लिए आया तो मैं एक नहीं सुनूंगा। से क्षमा याचना करने आया बाबूजी। हम कौन कौन है भाई? हम यानी कि मैं आपसे क्षमा याचना करने आया बाबूजी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबूजी, पुत्र धर्म का उल्लंघन किया है मैंने, आपसे ऊंची आवाज में वार्तालाप किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, किंतु आपको भी असत्य नहीं बोलना चाहिए था। कदाचित आप जानते नहीं है कि आपकी पीड़ा देख करके मुझे कितनी पीड़ा हो रही थी। जब पता चला कि आपकी पीड़ा झूठी है, मुझे लगा कि मेरी पीड़ा का तो कोई सम्मान ही नहीं है। अरे यार, पता नहीं किस मुहूर्त में पैदा हुआ था, ये पीड़ा में भी सम्मान ढूंढ रहा है। धीरे सोचो, नहीं तो सुन लेंगे। खैर, जो कुछ हुआ उसका मुझे पश्चाताप है, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं, किंतु उस मैकेनिक की बेटी के विषय में मुझे क्रोध है और हमेशा रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि वो यहां से चली गई है और आशा करता हूं कि वो यहां फिर से लौट कर नहीं आएगी।
प्रणाम राज। यार बट्टू, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने तेरे बाप का नाम अटल रखा। अरे यार ऐसा अटल है हिलने का नाम ही नहीं लेता। बेटा ऐसे तो प्रीत को यहां लाने में 12 घंटे क्या 12 साल लग जाएंगे यार। तो यार मुझे अपने से ज्यादा भरोसा प्यार पे है और प्यार से ज्यादा भरोसा प्रीत पे है। वो जो भी करेगी एकदम ठा करेगी, आप बस भरोसा रखिए उस पे। अच्छा ठा 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 ठा। वीर जी मैं आपके लिए लस्सी बना के लाई हूँ। लस्सी तो आपकी फेवरेट है ना, एटलीस्ट ये तो पी लीजिए। रुक जाओ ए, यहाँ जिंदगी का रायता फैला हुआ है और तुझे लस्सी की पड़ी हुई है। लेकिन वीर जी इस सब में मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है? और जो किया है तूने ही तो किया है, तो तुझ पे ही तो गुस्सा निकालूंगा ना, आईने पे देख के अपने आप पे तो गुस्सा नहीं निकालूंगा ना। बात करती है वीर जी। किये हुए सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट वीर जी आप सिमरन के साथ ऐसे थोड़ी ना बात करेंगे, इसकी तो कोई गलती नहीं है। ओए तेरे आंखों में ना प्यार की पट्टी बंधी हुई है इसीलिए तेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है वीर जी, सारे फसाद की जड़ मैं हूं ना, तो मैं यहां से चली जाती हूँ। ना रहेगी जड़ और ना रहेगा फसाद, अब मैं इस घर में नहीं रहने वाली। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। प्लीज कमल जी मुझे जाने दीजिए। ओ अब तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, अभी तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। जाने दो उसको। अरे पापी आपको भी वही प्रॉब्लम है जो उसको हो रही है, आप इधर ही रुकिए मैं दवाई लेके आता हूँ। मेरी बात समझते क्यों नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर था, इस घर में मेरा इतना ही बसेरा था। मैं जा रही हूँ। तो जाना चला क्यों रही है? मैं जा रही हूँ इस परिवार की यादें अपने साथ लेके। आप सबके साथ बिताए हुए 12 घंटे मेरी लाइफ के बेस्ट 12 घंटे थे। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। मैं जा रही हूँ स्वामी। स्वामी सिमो 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 कहाँ जा रही है सिमो? वीर जी क्यों है? सॉरी आपने ऐसा क्यों किया वीर जी, 8वीं क्लास से लेके अब तक का इंतजार कर रहा था, फाइनली मेरी जिंदगी में आ गई और आपने ऐसे भगा दिया। चुप कर जा नहीं तो तेरे बोनट पे ऐसा डेंट मारूंगा ना कि कहीं मरम्मत नहीं करा पाएगा। वीर जी सिमो अरे रब्बा अब तक तो सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस आगे भी संभाल लेना, मामला बड़ा संगीन है, कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपने प्रीत के साथ अच्छा नहीं किया, 10 में से 0 देते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। सोचिए अगर आपकी कोई बेटी होती और उसके साथ ऐसा कोई करता तो आपको कैसे लगता? कुछ नहीं लगता मुझे, शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे बेटी नहीं दी। लेकिन बेटी जैसी बहन तो दी है ना। कौन सी बहन, किसकी बहन और कैसी बहन? वो लड़की जिसने मेरी पीठ पे विश्वासघात का छुरा घोपा और उस मैकेनिक के भाई के साथ चली गई, उसे मैं बहन मानता ही नहीं। सिमरन तुम्हारी आंसू तुम्हें इस घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। सिमरन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भैया मैं अपना ससुराल हमेशा 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 के लिए छोड़ के आ गई। सिमरन हे ईश्वर ये अनर्थ कैसे हो गया? वाह प्रीत पुत्र वाह, तू तो सीरियल की हीरोइन से भी अच्छी एक्टिंग करती है, वाह वाह वाह। अच्छा अच्छा ये ड्रामा ना चालू रखना, तेरे पापा तो किसी भी वक्त धरा सकते हैं। ओ मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, पापा जी को जरा सा भी शक नहीं होगा। ए बबली दिखा दी ना उन बड़बोलों ने अपनी असलियत,
एक दिन भी अपनी बहू को संभाल के नहीं रख पाए, वापस भेज दिया इसको 21 दिन में। ओजी आपने कौन सा बड़ा महान काम किया है, आपने भी तो अपनी बहू को एक ही दिन में घर से भगा दिया। पर मैंने नहीं भगाया, खुद से गई है वो, पूछ ले। मैं भी खुद ही आई हूँ पापा जी। हैं? तू भी खुद से ही आई है? अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया। और जाना भी मत वापस, तोड़ दे सारे रिश्ते उनके साथ। पर बोल ले कहीं के प्रीत पुत्र, मैं तो कहता हूं सब कुछ भूल जा। मैं भी सब कुछ भुलाकर तेरे को डाइवोर्स दिलाने में तेरी मदद करूंगा। और तेरे लिए एक अच्छा सा मुंडा देख के तेरी दोबारा शादी करा दूंगा। ओ पापा जी, शादी कोई फेस्टिवल थोड़ी ना जो बार बार मनाया जाए। ना मैं डाइवोर्स लूंगी और दूसरी शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। मैं यही बैठे बैठे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। ना मेरा पुत्र। प्रीत चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन दरवाजा खोलो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं बुआ नहीं, ऐसा मत करो सिमरन। आपको बट्टू की कसम। सिमरन सिमरन आपको बट्टू की कसम, दरवाजा खोलो। क्या हुआ सिमरन को, क्या हुआ? लेकिन ना सिमरन ने अपने आप को अंदर से लॉक कर दिया है। मुझे तो डर है कहीं कोई अनर्थ ना कर बैठे। मेरी मम्मी शुशु बोलो। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा हन पड़ी, सिमरन के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओए भगवान, सिमरन क्या हो रहा है? सिमरन बुआ आपके दुश्मन को कीड़े पड़े। सिमरन प्रीत रुक जा, पुत्र की हो गया, रुक जा। ओए ओए स्यापा, ओए ओए। लो अब प्रीत की तरह सिमरन भी अपना ससुराल छोड़कर आई है और इस बात ने अटल के दिल में घबराहट की घंटी बजाई है। पर मुझे लगता है ये एक बड़ी सी प्लानिंग की एक छोटी सी कड़ी है। अब क्या कहूँ, ये इश्क की बाजी है, इसका न कोई और है न कोई छोर है, ये तो बस बड़ी बड़ी प्लानिंग का दौर है। शादी के बाद लड़की पराया धन होती है, उसके लिए उसका मायका पराया घर होता है, और जब वो पराए घर में जाकर रहने लगती है तो लोग बातें करते हैं, और जब लोग बातें करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। आप सुन भी रहे कि मैं क्या कह रही हूँ या फिर से कान में पानी चला गया है? मोहिनी जी आप शांत रहेंगी, ये तंस के तीर मार मार कर हमें चोट पहुंचाने का प्रयत्न ना करें। आप निश्चिंत रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहता भी तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। हेलो जी जी, ये उसी संस्कारी आदमी का घर आपके लिए। जी, जी नमस्कार, कहिए कौन? कैसा है छटंकू? छटंकू कौन? छटंकू तू छटंकू पहचाना नहीं, सिर्फ 40 साल में हमारी आवाज भूल गया। देखिए आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं बताइए पहले। हम तुम्हारे मामा के चाचा के चाचा के फूफा के मामा बोल रहे हैं। इतना संस्कारी होते हुए भी अपने मामा को नहीं बचाना? नहीं नहीं मामा जी, आप ये बताएं आप बोल कहां से रहे? यहीं से। यहां से? यहां से कहां से? यहीं से मतलब जवानपुर से, जवानपुर से बोल रहे हैं। अच्छा, हम तुम्हारे जौनपुरिया मामा बोल रहे हैं। पहचाना कि नहीं? नहीं अभी भी नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? इधर नाथ तो कहता था उसका बेटा बड़ा संस्कारी है, छोटे बड़ों का बड़ा आदर करता है, उनकी छवि को अपने दिल में बसा के रखता है, और तू हमें भूल गया।
भूल गया बचपन में कैसे हमारी गोद में बैठते ही बरस दिया करता था, नदियां बहा दिया करता था। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल पहचान गया मामा जी। आप बताएं कैसे फोन किया और क्या सेवा करूं मैं आपकी? बेटा सेवा तो हम तुम्हारी करना चाहते हैं। हमारी सेवा कैसे? तुम्हारे दुख में भागीदार बन के। अब जिसकी बहन एक दिन में शादी के बाद मायके लौट आए। आपको किसने बताया ये सब? बेटा बदनामी की आग जंगल की आग जैसी होती है, चारों तरफ फैल जाती है मिनटों में। लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको बताया किसने? सारे रिश्तेदार। ये बात तो बेटा सारे रिश्तेदारों को पता है, लेकिन कोई हमारे जैसा नहीं होता। हम जानते हैं कि तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि जिसकी बहन एक दिन में वापस लौट आए उसका समझो भविष्य खत्म। मामा जी आप जो कह रहे हैं वो मैं समझता हूँ। उसको बोल तू संस्कारी आदमी है, कुछ मसला सुलझाए। बेटा संस्कारी, तुम इतना संस्कृति का बोझ उठाए घूमते हो, थोड़ा समझदारी का भी उठा लो। अभी तो सिर्फ रिश्तेदारों को पता चला है, सोचो जब समाज को पता चलेगा तो कितनी फूट होगी। इसलिए बेटा कह रहा हूँ जाके अपनी बहन को ससुराल पहुँचा दो, पहुँचा दो ससुराल। मामा जी लेकिन क्या हो गया आप दोनों को? बुआ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। बेटा वो तो समझो खत्म। हेलो मामा जी हेलो, लगता है कट गया। कौन से वाले मामा जी हैं बेटा? जौनपुर वाले मामा जी थे। ओ, पता नहीं क्या कह रहे थे। अच्छी बात कर रहे होंगे, कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लो जी लस्सी। लाओ जी लस्सी। ओए मफली, 4 लीटर के इंजन के लिए 100 ग्राम ऑयल। आपने जितनी खुशियां इस घर को दी है ना, उसके हिसाब से तो ये भी ज्यादा ही है। दिमाग तो नहीं खराब गया तेरा? मैंने अपनी बेटी की जिंदगी की खुशियां नहीं छीनी, तो तुम लोग की नादानी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी का एक्सीडेंट हुआ है जी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पर अभी भी उसकी गड्डी का ड्राइवर यानी कि उसका पियो जिंदा है। अब देखना मैं उसकी जिंदगी को सही ट्रैक पे कैसे लाता हूं, देखना जी। हरिओ। आओ जी पंडित जी। हेलो सीता जी, होगी एक ही कर रहे थे। इतना चटका मत खा, मैं नहीं बुलाया। क्यों? प्रीत की शादी के लिए लड़का दिखाने के लिए और क्यों? अरे आपका दिमाग मत तो सही है, अभी तक आपके कुड़ी के हाथों से शादी की मेहंदी तक नहीं उतरी है और आप उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढने चले हो। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। क्या सही कर रहे हो? उस कमंडी को दिखा दूंगा मैं कि मेरी बेटी को संभालने की उसकी औकात नहीं है जी। अब देखना मैं ऐसे मुंडे से शादी कराऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी जी। क्यों पंडित जी? लाओ जी पंडित जी, दिखाओ। ओए कमली तू भी देख। निकालो जी एल्बम। दिखाओ जी, दिखाओ जी। एल्बम तो पुराना है। लेकिन फोटो नहीं है। फोटो नहीं है? देख लेते जी, नई फोटो है, नया मॉडल देखे है। 57 का मॉडल लग रहा है जी। पंडित दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने मुंडे की फोटो बोली थी, मुंडे के पियो की नहीं। एक ही है। आप गुस्सा मत होइए सरी भाई, आपकी लड़की की दूसरी शादी है ना, तो कोई फ्रेश लड़का तो मिलेगा नहीं। वो एक दिन में वापस आ गई थी मेरी बेटी, समझ में आया? अब मैं आपको आपकी ही भाषा में समझाता हूँ। हाँ जी समझाओ। क्या है कि जब अपन गाड़ी को लेने जाते हैं ना शोरूम में, तो एक दिन बाद भी अगर हम उसको वापस करते हैं
तो वो सेकेंड हैंड हो जाती है। उसी तरह से शादी भी होती है। एक बार लड़की की शादी हो गई और वो ससुराल में गई, चाहे एक दिन में ही वापस क्यों ना आ जाए, वो सेकेंड हैंड हो जाती है। आप फोटो देखिए, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, देखिए। पंडित जी, मैंने लगता है कि मैंने आपको बुलाने में ना जल्दबाजी कर दी। आप बाद में आ रहा है, मैं थोड़ा और सोच लूं। जी बाद में आना जी। जय राम जी की। हरिओम। ओके पंडित जी, हरिओम हरिओम हरिओम। सेकंड हैंड से आपा हुए। बेटी की मोहब्बत में पापा का हाल बेहाल है और बहन के लिए भाई के दिल में भूचाल है। अटल और शेरी पहाड़ सा अभिमान लिए बैठे थे। लगता है थोड़े थोड़े मुश्किल में वो भी फंसे हैं। क्या प्रीत और सिमरन का प्लान कामयाब होगा? अब ये तो हम कल ही बताएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.